214 आर्यनगर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जायसवाल का जनसंपर्क। शनिवार धनकुट्टी धर्मशाला व्यापारियों व जनता के साथ बैठक कर प्रमोद जायसवाल का फूलमालाओं से किया गया स्वागत। इसी बीच प्रमोद जायसवाल ने जनता की समस्याओं को सुना। जनता ने बताया सबसे बड़ी परेशानी पानी की है। आर्यनगर की जनता पिछले 5 सालों से पानी की समस्या से जूझ रही है। गली मोहल्ले में कोई सफाई नहीं होती है, नाले भर जाते हैं पर कोई सुनवाई नहीं की जाती है, केवल आश्वासन दे दिया जाता है, जिसे आर्यनगर विधानसभा की पूरी जनता समझ चुकी है। महंगाई से गरीब मारा जा रहा है, दो वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में जनता को इतनी परेशानियां कभी नहीं हुई जो आज हो रही हैं। महिला उत्पीड़न दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी नहीं मिलती, बेरोजगारी चरम पर है। प्रमोद जायसवाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब भाई बहनों ने जितनी परेशानियां बताई हैं, इन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए मैंने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है और ये सोचकर चुनाव में उतरा ताकि आपका भाई आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करो, आपका वोट आपकी जीत होगी, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मेरा परिवार मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, इससे ज्यादा मेरे लिए, इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई खुशी नहीं है। आपका प्यार और आशीर्वाद मेरी जीत है। सैकड़ों की तादाद में प्रमोद जायसवाल के समर्थकों ने विशाल जनसंपर्क में शामिल हुए। धनकुट्टी धर्मशाला से विशाल जनसंपर्क कलेक्टरगंज, बादशाही नाका, लोहा मंडी, कुली बाजार, चाचा नेहरू अस्पताल, विभिन्न क्षेत्रों में विशाल जनसंपर्क किया गया। अरे चौधरी की आवाज़, अरे